हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जोलॉजी के जो हमारे uh, रहते थे क्वेश्चन पेपर के सो ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है टू जीन्स ए एंड बी आर द टेन यूनिट टेन मैप यूनिट अपार्ट ठीक है कि ए और बी जो जीन्स है उसमें डिस्टेंस कितना है यूनिट कितने का फ़र्क है टेन मैप यूनिट्स का ठीक है पेरेंट विच इज हिटीरो जैगॉस विद रिस्पेक्ट एक पेरेंट है उसमें से ठीक है उसमें वो हिटीरो जैगॉस है मतलब उसके अंदर uh, जो है वो हिटीरो जैगॉस करैक्टर हैं ठीक है तो विद रिस्पेक्ट तो बोथ जीन्स ए बी वर्सेज जो स्मॉल ए स्मॉल बी वाला है जब कहते हैं इसको टेस्ट क्रॉस था इसका हुआ तो उसमें टू हंड्रेड जो इंडिविजुअल्स थे वो स्टडी किए गए तो उसकी फर्स्ट इशो बतानी है हमें वन इशो वन आएगी सेवन इशो वन इशो वन इशो सेवन आएगी नाइन इशो वन इशो वन इशो नाइन आएगी या कोई भी नहीं सो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी नाइन इशो वन इशो वन इशो नाइन आनी है इसकी ठीक है इसके बारे में आगे एंड में uh, ये सॉल्व करेंगे ठीक है तो आगे पहले कर लेते हैं फिर है इफ अ मेल इफ अ मैन हैज द क्यू इक्वल टू दैट ऑफ द फाइव ईयर ओल्ड बॉय इट इंडिकेट्स द फॉलोइंग हार्मोन कि एक पर्सन है अगर ठीक है कोई एक बंदा है एडल्ट है ठीक है तो या एटीन या कोई भी एज का है ठीक है उसकी आई उसका जो आई लेवल है वो पाँच साल के बच्चे जितना है मतलब इतना डेवलप है ही नहीं जितना नॉर्मल पर्सन होता है ठीक है तो मैन जो है उसका जो आई लेवल है वो फाइव ईयर के पाँच साल के बच्चे जितना है तो उसमें कौन सी डेफिशंसी होगी जिसकी कौन से हॉर्मोन की कमी होगी जिसकी वजह से वो इतना मेंटली रिटार्ड रह गया उसकी मेंटल ग्रोथ हो नहीं पाई तो ऑप्शन है थायरॉक्सिन एल्डोस्टिरोन एड्रीन और सोमैटोट्रॉपिन सो so, इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए ठीक है थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ठीक है थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ना ये थायराइड ग्लैंड के थ्रू सिक्रिएट होता है टी थ्री टी फोर हार्मोन भी सिक्रिएट होते हैं ना तो ये क्या करते हैं एक तो मेटाबॉलिज्म मेंटेन करते हैं पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी होते हैं हमें वो कहा जाता है ना कि हमें सॉल्ट लेना चाहिए आयोडीन वाला सॉल्ट लेना चाहिए ठीक है क्योंकि उसमें जो थायरॉक्सिन भी होता है आयोडीन भी होता है तो इन्हीं की वजह से जो ब्रेन है वो डेवलप करता है तो जिस पर्सन में ये थायरॉक्सिन की कमी होती है उसमें मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं चलता एंड या मतलब इसके साथ साथ उसकी मेंटल रिटार्डेशन भी होती है मतलब दिमाग उसका इतना डेवलप ही नहीं हो पाता बड़ो जितना ठीक है तो इसीलिए ऑप्शन ये आनी है नेक्स्ट है पैरिपैटस ए तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ये भी हमने किया था कि पैरिपैटस जो है ऑर्गेनिज्म ये किन के बीच का लिंक है किन दोनों फाइलम को जोड़ता है मुलस्क आर्थ्रोपोड आर्थ्रोपोड एनिलेड एंड रेप्टाइाइलिवस या मुलस्कस एनिलेड्स तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी आर्थ्रोपोड और एनिलेड दोनों के बीच का ये करैक्टर है ठीक है मतलब दोनों के बीच का ऑर्गेनिज्म है जिसमें आर्थ्रोपोड एनिलेड दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं आई आर एन ए इंटरफेरेंस हेल्प इन आर एन एन आर एन ए इंटरफेरेंस आर एन ए आई क्या काम करता है सेल प्रोलीफ्रेशन का माइक्रो uh, प्रोपिगेशन का सेल डिफ्रेंसीशन का सेल डिफेंस का तो इसके ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी सेल डिफेंस उसका रीजन है जो आर एन ए आई है ठीक है आर एन ए इंटरफेरेंस होता है ये कब किया जाता है ये हमने वो बायोटेक्नोलॉजी में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जब सेल को निमेटोड वगैरह प्लांट सेल को निमेटोड वगैरह खराब कर सकते हैं ना तो उससे बचाने के लिए निमेटोड के जीन्स को चेंज करके उसको प्लांट के अंदर डाला जाता है कि प्लांट्स के लिए यूजफुल ही रहे नुकसान ना करे कोई सो तो इसलिए आर

तो इसके ऑप्शन है ये ऑप्शन हमेशा बढ़ता ही है अपराइट रहता है ठीक है नेक्स्ट ग्रीन ग्रीनलैंड आर एसोसिएटेड विद ग्रीन ग्लैंड किसके साथ एसोसिएट होते हैं ग्रीन ग्लैंड असल में ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं ठीक है जैसे आर्थ्रोपोड वगैरह के अंदर ये ग्रीन गलैंड पाए जाते हैं तो इसका क्या फंक्शन एक्सक्रीशन डाइजेशन रेस्प्रेशन के ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं सो तो ऑप्शन ए फिर है वट इज द परसेंटेज ऑफ द फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसको हम पार बोलते हैं दैट इज इन द इंसिडेंट रेडिएशन कि जो सोलर रेडिएशन होती है ना सन uh, से आने वाली लाइट में जो अलग अलग रेडिएशन अलग अलग वेवलैंथ होती है ना उनमें पार कितना होता है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है फोटो तो सिंथेसिस करने में हेल्प करती हैं हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट फाइव परसेंट यान परसेंट सो इसके ऑप्शन नहीं ऑप्शन बी फिफ्टी परसेंट ही हमने फोटो सिंथिस इन हायर प्लांट्स के बारे में uh, के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा है ठीक है हमने वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया है ठीक है सो फिफ्टी परसेंट आना है नेक्स्ट है द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स साइक्लोस्पोरिन ए एज मॉलिकूल साइक्लोसपोरिन्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय कहते जो ये आ, होता है साइक्लोस्पोरिन ए नाम का मोलिक्यूल होता है ठीक है ये जो जिनमें ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है जैसे हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है ना या किडनी ट्रांसप्लांट करनी है उनको ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये मोलिक्यूल दिया जाता है उन पेशेंट्स को क्यों दिया जाता है क्या कहा ताकि उनके अंदर जो ऑर्गन है वो किसी दूसरे का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो वो ऑर्गन बॉडी रिजेक्ट ना कर दे ठीक है इसीलिए ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दिया जाता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सप्रेस हो जाए क्योंकि वो पहचान लेगा कि अपनी बॉडी का ऑर्गन नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर सकता है इसीलिए बचाने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए यूज करते हैं तो किससे प्रोड्यूस होता है ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम साइक्रोमाइसिस सरबीसीआई एस्प्रे एसपर्जिलस नाइगर और एस सीटोबैक्टर ये बैक्टीरिया वगैरह हैं तो किन बैक्टीरिया से मिलता है ट्राइकोडामा पॉलिसपोरम ठीक है इसकी ऑप्शन ए आनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन प्रोडक्ट एंड कोडिड बाई द जीन क्राए वन ए सी एंड क्राई टू ए बीट्रोल कंट्रोल द कि जो प्रोटीन प्रोडक्ट होता है जिसमें कि कराए वन ए सी और कराई टू ए बी होता है ठीक है उसके थ्रू क्या कंट्रोल किया जाता है ये हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी uh, में ही पढ़ा है प्लांट्स के बारे में तो कहते हैं कौन सा प्रोटीन ऐसा होता है जिसमें ये जीन होते हैं और ये जीन क्या करते हैं किसको कंट्रोल करते हैं बॉल वाम को राउंड वार्म को मौत को या फ्रूट फ्लाई को तो ये जो बॉल वार्म होते हैं ना जो प्लांट्स को खराब करते हैं उनको रोकने के लिए क्राईवन ए सी और क्राई टू ए भी यूज़ किया जाता है ठीक है जीन सो बॉ वार्म आई गज ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन है इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम द पॉइनियर टू द क्लाइमेक्स स्टेज द बायोमास शेल डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है इंक्रीज करता है देन डिक्रीज़ करता है या कोई चेंज नहीं आता उसमें तो जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है Uh, वो क्लाइमेक्स स्टेज से पॉइंटियर में जाता है तो उसमें बायोमास शेल जो है वो हमेशा इंक्रीज करता है सो ऑप्शन यानी ऑप्शन बी नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरिया Uh, यानी कि हैबिटेट इज कॉल्ड कि एवोल्यूशन की प्रोसेस के दौरान जो अलग species अलग स्पीशीज होती हैं अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में जब वो अपना एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे रेडिएटिंग एरिया में जाती हैं ठीक है थीके? अपना इन्वायरमेंट छोड़ के अपना हैबिटेट छोड़ के किसी दूसरे एरिया पर स्पीशीज जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन के दौरान तो उसको क्या बोलते हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस एडेप्टिव रेडिएशन नेचुरल सिलेक्शन या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन भी ऑप्शन आएगी ठीक है क्यों क्योंकि जब जो स्पीशीज हैं अपनी कॉमन इंसेस्टर के साथ रहते रहते वो उस एरिया को छोड़ के किसी

विंड पाइप देखो पहले तो कॉमन होती है ना विंड पाइप वहाँ से ट्रैकिया अलग हो जाता है एंड ईसोफेगस जो है वो अलग हो जाता है वो स्टमक की तरफ ईसोफेगस फेगस जाता है एंड ट्रैकिया जो है वो लंग्स की तरफ जाता है तो कौन सा ऐसा सर्वाइकल वर्टिब्रिया है जहाँ से ये अलग हो जाते हैं विंड पाइप जो है वो ट्रैकिया को अलग करती है एंड ईसोफेगस को अलग सो फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रिया है फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रिया है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रिया है कि सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रिया है इसके ऑप्शन आनी ऑप्शन सी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रिया ठीक है पहले क्या होता है um, सर्वाइकल वर्टिब्रियाज होते हैं देन थोरेसिक वर्टिब्रिया आते हैं बैक साइड पे, तो वहीं वर्टिब्रिया से फिफ्थ वर्टिब्रिया से थोरेसिक वाले से ये अलग हो जाती है ठीक है सो ऑप्शन सी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लिवर बाय द ऑर्निथिन साइकिल ऑर्निथिन साइकिल जो चलता है उसमें लिवर uh, में ब्लड के थ्रू क्या रिमूव होता है वेस्ट के तौर पे यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया या अमोनिया और यूरिया सो so, इसके ऑप्शन आनी ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है ये ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू वेस्ट के तौर पे ब्लड से लिवर में रिमूव होता है ठीक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट है ही है साथ में अमोनिया बनता है ठीक है तो अमोनिया जो है ठीक है अमोनिया आगे सिंपल सब्सांस में बन आ, ब्रेक होता है ठीक है जहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट बनता है और बॉडी से बाहर निकलता है क्योंकि वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है ठीक है तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया बनता है दैन यह ब्रेक होता है सिंपल सब्सांस में नाइट्रोजन वगैरह में कन्वर्ट होकर बॉडी में से बाहर निकलता है फिर है फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द जीन थेरेपी ओवर द फोर ईयर ओल्ड गर्ल वॉज फॉर कि जो एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया था क्लिनिकल सॉरी एप्लीकेशन की गई थी क्लिनिकल एक आ, मतलब फंक्शन किया गया था जीन थेरेपी के लिए चार साल की बच्ची पे किस प्रॉब्लम की वजह से उसकी जीन थेरेपी की गई थी चार साल की बच्ची की एडिनोसिन डायमाइनिस डेफिशिएंसी की वजह से ठीक है एडिनोसिन डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ डेफिशिएंसी की वजह से कि एडिनिन डेफिशिएंसी की वजह से किस चीज़ की कमी थी उसकी बॉडी के अंदर उसकी उसके अंदर एडीए की कमी थी हमने ये भी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है ठीक है इंसुलिन के बाद वाला टॉपिक है तो उसमें ए डी ए डेफिशेंसी एडिनोसिन डाइमाइनीज एनजाइम की कमी थी उसके डब्ल्यू बी सीज के अंदर ठीक है इस वजह से उसकी ये थेरेपी की गई थी ताकि उसके अंदर ये वाले जो ए डी ए मतलब एडिनोसिन डाईमाइनी बैक्टीरिया है एन्जाइम uh, है वो आ सके एनजाइम आ सके ताकि उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करे ठीक है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैज द थेस्ट मस्कुलर बॉल थिकेस्ट मस्कुलर सबसे ज़्यादा मोटी uh, मोटी जो मसल्स की वॉल होती है हार्ट में किस चैम्बर में होती है लेफ्ट एट्रियम में राइट right एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में या राइट right वेंट्रिकल में इसकी क्या ऑप्शन आएगी इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वहाँ से ब्लड जो है वो पूरे प्रेशर से पास करता है इसलिए उसकी वॉल थी को होनी चाहिए ठीक है सो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजाइम नीडेड टू पॉलीमराइज अ ग्लूकोज इन स्टार्च आर प्रेजेंट इन कि वो एनजाइम जिसकी जरूरत पड़ती है प्लांट्स में ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए वो कौन सा एंजाइम है और कहाँ पे होता है ठीक है ये एंजाइम कहाँ पे होता है ये बताना है हमें ठीक है क्योंकि प्लांट्स में देखो प्लांट्स सीधे ग्लूकोज नहीं ना यूज़ करते वो बनाते ग्लूकोज हैं बट उसको स्टोर करते हैं आ, स्टार्च की फॉर्म में ठीक है तो इसीलिए वो कहाँ पर होता है एन्जाइम कहाँ पर उसकी जरूरत होती है अमाइलो में अमाइटोकॉन्ड्रिया में एक बॉडी में कि एलाय एलियो में तो ये हमने पढ़ा था एलियो अमाइलो के अंदर ऑप्शन ए ठीक है अमाइलो के अंदर इसकी ज़रूरत होती है अमाइलो क्या है ये स्टार्च को स्टोर स्टार्च ग्रेन्यूल को स्टोर करने का करता है ठीक है ये पिगमेंट होता है एक प्लांट्स के अंदर देन है विच ऑफ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा अमॉइबा जो होता है उसमें कौन सी रिप्रोडक्शन चलती है बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन कॉन्जुगेशन बाइनरी फिजन अकेली के मल्टी फीजन अकेली मल्टीपल फिजन अकेली सो इसके ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन क्यों अमीबा जो होता है अमॉबा इरेगुलर होता है ठीक है वो अपने दो इरेगुलर इस तरह से करके दो डॉटर सेल्स बनाता है ये तो कॉमन हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में है ना तो अमॉइबा जो है उसमें बाइनरी बाई का मतलब होता है दो फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना तो जब अमोबा दो ऑर्गेनिज्म में ब्रेक होता है उसको बोलते हैं बाइनरी ये तो होती ही है ये ए है इसके अलावा जब अमॉया के अंदर फेवरेबल कंडीशन नहीं उसको मिलती हैं तो ऐसी कंडीशन में वो अपना जो स्यूडोपोडिया है उसको हटा के वो राउंड शेप में चला जाता है अमॉयबा जो है तो राउंड शेप में वो अपने आसपास ना सिस्ट बना के अंदर ही रिपोडक्शन करता है तो अंदर ही रिपोडक्शन करने की वजह से उसमें कई सारे न्यूक्लियर बन जाते हैं मल्टीपल न्यूक्लियर बनते हैं तो जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट टूट के सारे मॉइबा बाहर आ जाते हैं इंडिविजुअल अमॉइबा तो उसको बोलते हैं फीजन मतलब टूटना मल्टीपल मतलब बहुत सारी तो टूट के जब बहुत सारी ऑर्गेनिज्म बनाता है अनफेवरेबल कंडीशन के बाद वो है मल्टीपल फीज़न तो दोनों ही उसमें होती हैं बाइसेक्शुअल सॉरी बाइनरी फीजन होती है एसेक्शुअल में मल्टीपल uh, फीजन होती है अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आपको बचाने के बाद की ठीक है सो ए ऑप्शन आएगी नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन प्रोडक्शन किस बैक्टीरिया के अंदर होती है देखो ह्यूमन बींग में इंसुलिन प्रोडक्शन होती है जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है है ना पर जिस पर्सन के अंदर ऐसा नहीं होता जिसको डायबिटीज होती है तो उसको इंसुलिन चाहिए कैसे मिलेगी उसको इंसुलिन कम हो जाती है ना तो इंसुलिन कैसे मिलेगी तो इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की गई अली कंपनी के थ्रू ठीक है तो किस बैक्टीरिया में वो बनाई जाती है इंसुलिन सेक्रोमाइसिस सर्विसिया में राइजोबियम में एस्क्रीचा कोलाई में या माइकोबैक्टीरियम में तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन सी एस करीचिया कोलाई इसको आप ई e. कोलाई भी बोलते हो ठीक है तो उसके अंदर ये प्रोसेस चलती है बैक्टीरिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में है ये भी ठीक है तो बायोटेक्नोलॉजी में बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं अच्छे से करना नेक्स्ट है वन द ह्यूज अमाउंट ऑफ द सीवेज इज इज डम्प्ड डू द रिवर इट्स बोर्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है थोड़ी सी कम होती है चेंज uh, नहीं होती बढ़ जाती है या कम हो जाती है सो so बढ़ जाती है इसके ऑप्शन आनी ऑप्शन सी देखो जो सीवेज होता है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं पानी साफ नहीं होता वो उसको सीधे रिवर में डालोगे तो सारे जर्म्स वगैरह केमिकल वगैरह सीधे रिवर में चले जाएंगे। तो बोर्ड बोर्ड क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक है तो अगर सीवेज का जो वेस्ट वाटर है वो सीधा ही रिवर में डाल दोगे बिना ट्रीटमेंट के तो उसमें बहुत सारे जॉम्स हैं बहुत केमिकल है तो उससे क्या होगा बोर्ड वैल्यू बढ़ जाएगी एंजाइम्स को बैक्टीरिया को ब्रेक करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स सब्सांट को सिंपल सब्सांस में कि कम पोल्यूटेड हो तो उसमें उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए उसकी डिमांड बढ़ेगी ना बोर्ड की सो so इसीलिए यह बढ़ जाती है ठीक है क्योंकि जितना ज्यादा पोल्यूशन उतनी ज्यादा बायोलॉजिकल डिमांड बढ़ती है सीवेज वाटर में ज्यादा पोल्यूशन है तो डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन ओवुलेशन यानी कि फोर्टीनथ डे मैंसुरेशन साइकिल में फोर्टीथ डे जब ओवम रिलीज होता है बॉडी में से ओवुलेशन के दौरान तो कौन सा ऐसा ओवरी का पार्ट होता है मैमिलियन बॉडी में जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है जो कि अंदर हार्मोन को सिक्रीट करता है ग्राफियन फॉलिकल है स्टोमा है कॉर्पस एल्बिकंस है या कॉर्पस ल्यूटियम है तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन डी कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम ठीक है क्यों ओवुलेशन के बाद ओबम रिलीज हो गया एंडोमेट्रियम बन रही थी ना तो अगर तो ओबम को स्पर्म मिल गया वो फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन कर देगा है ना तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगॉट है उसको एंडोमेट्रियम में ही ओवरी की सॉरी यूटरस की अंदर वाली जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम उसमें ही तो इम्प्लांट होना है अटैच होना है ताकि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रहे है ना तो उसके लिए जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना जहाँ से मतलब ओवम रिलीज होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल का जो पार्ट होता है ना कॉर्पस ल्यूटियम वो प्रोजेस्टिरोन नाम के हॉर्मोन को सिक्रिएट करता है तो प्रोजेस्टिरोन की सिक्रीशन की वजह से जो ये ओवरी का पार्ट होता है ओवरी में ही रहता है कॉर्पसलिटियम तो इसलिए वो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है क्या क्यों क्योंकि सिक्रीशन कर रहा है ओबुलेशन के बाद ठीक है सो ऑप्शन डी यानी है नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ द स्पम थिक्का इन द अर्थवम इन सेगमेंट जो uh, अर्थवम है उसके अंदर स्पर्म थिक्का की पोजीशन कौन सी कौन से सेगमेंट में होती है अर्थवम की बॉडी सेगमेंटेड होती, से होती है ना ऐसे सेगमेंट बने होते हैं तो कौन से सेगमेंट में उसका स्पर्म थिक्का प्रेजेंट होता है सिक्स सेवन एट नाइन फाइव सिक्स सेवन एट सेवन सेवन एट नाइन टेन के फोर फाइव सिक्स सेवन तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए सिक्स सेवन एट नाइन सेगमेंट जो होते हैं इन सेगमेंट्स में उसका स्पर्म थिक्का प्रेजेंट होता है ठीक है फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है डिसीज़ बतानी है जो कि ऑटो अम्यून है जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम वैसे बॉडी को बचाता है है ना पर जब अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर दे ऑटो अम्यून डिसीज उसको बोलते हैं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ऑटो अम्यून डिसीज़ कौन सी है रिमेटॉइड अर्थराइटस गठिया वगैरह जो होता है ठीक है ऑस्टियो अर्थराइटस मिस्थीनिया ग्रेविस या मस्कुलर डिस्ट्रोफी मसल्स जिसमें डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं कौन सा होगा मस्कुलर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की प्रॉब्लम uh, है ये ठीक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन सा होता है जहाँ से न्यूरॉन जो है उसका जो ऐसे न, वो एंडिंग होती है ना ऐसे न्यूरॉन की एक्जोन के बाद ऐसे एंडिंग होती है एक्जोन एंडिंग तो वहाँ पे इस तरह से वो बने होते हैं ठीक है न्यूरो बने होते हैं तो अगर इनको देखा जाए इस तरह से ये ना मसल्स के साथ अटैच है, होते हैं यहाँ से केमिकल रिलीज़ करते हैं सिटालकोलाइन को, को यहाँ पे मसल्स में ठीक है तो इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ठीक है जब न्यूर का मसल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की प्रॉब्लम हो गई ठीक है तो इसमें क्या होता है मिस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी हो जाती है ऑटोम्यून डिसऑर्डर मिस्थेनिया ग्रेविस क्यों बॉडी का मतलब बॉडी के न्यूरोन्स का मसल के साथ कनेक्शन ही नहीं हो पाता तो ब्रेन से प्रॉपर सिग्नल मसल्स तक पहुंच ही नहीं पाते और मसल्स वीक रह जाती हैं काम नहीं कर पाती ठीक है तो उसको बोलते हैं मिसथेनिया ग्रेविस तो ऑप्शन सी आनी है नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉस ऑफ एलर्जी आर कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बाय मास्ट सेल्स कि मास्ट सेल्स के थ्रू देखो कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है एलर्जी में जब एलर्जी होती है मान लो कोल्ड ही हो गया है ना एक तरह से कई बार किसी को एलर्जी की वजह से छींक आनी शुरू हो जाती है ना स्नीजिंग होनी शुरू हो जाती है तो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है ठीक है कहते हैं इसके दौरान जो मास्ट सेल होते हैं ना बॉडी के उनमें से क्या सिक्रीट होता है मास्ट सेल तीन तरह के केमिकल को सिक्रीट करता है ठीक है तो उसमें से कौन सा मास्ट सेल के थ्रू रिलीज होता है केमिकल जिसकी वजह से एलर्जी में जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो आता है एंटीबॉडीज सिक्रीशन हिस्टामिन इंटरफेर या एंटीजेंस की वजह से तो इसमें आना है हिस्टामिन की वजह से ठीक है तभी तो हम एलर्जी को थोड़ा रोकने के लिए हम क्या लेते हैं एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन लेते हैं जो कि हिस्टामिन के अफेक्ट को कम करती है सो so, हिस्टामिन होता है इसका ठीक है ऑप्शन बी नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजन अफेक्ट द क्रॉप ईडिंग बाई कॉजिंग द इन्फेक्शन स्पेशली इन के ज़्यादातर जो आ, प्लांट को खराब करके क्रॉप को खराब करते हैं पैथोजनस वो कौन से क्लाइमेट में अफेक्ट करते हैं ज़्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टेम्परेट में आर्कटिक क्लाइमेट एंड डेजर्ट क्लाइमेट सो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट में नेक्स्ट है फिफ्टियथ लास्ट क्वेश्चन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और इट्स पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज अगर हम किसी इंडिविजुअल और उसकी पॉपुलेशन के साथ रिलेशन और उस या फिफ्टींथ क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और इट्स पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट नोन एज कि जो किसी इंडिविजुअल या उसकी पॉपुलेशन जो है उसका इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन uh, है तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं इकोलॉजी एटियोकोलॉजी साइनिकोलॉजी फाइटो सोशियोलॉजी सो इसके ऑप्शन आनी ऑप्शन बी आर्टियोलॉजी बोल आर्टिकॉलोजी बोलते हैं इसको ठीक है जब इंडिविजुअल और जो पूरी पॉपुलेशन है उसका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन देखना है उसकी स्टडी को हम आर्टिकोलॉजी बोलते हैं सो so, ऑप्शन बी सो यहाँ पे हमारा ये uh, जो क्वेश्चन पेपर है ये खत्म होता है बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो